हेलो एवरीवन, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने लैग कल्चर के बारे में पढ़ा था। जो भी लैग कल्चर से रिलेटेड टेक्निक्स थी, जो भी स्टेप्स थे, जो मेथड्स थे, यूजेस थे, वो सब हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर दिए। आज के वीडियो में ये लास्ट वीडियो लेक्चर होगा लैग कल्चर पे, और हम प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। लैग के प्रोडक्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनका कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे कि लाख जो है उससे, लाख के जो कीड़े हैं उनसे हमें लाख का जो प्रोडक्ट मिलता है उसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के इस्तेमाल होते हैं। क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं लैग की, इसके बारे में पढ़ा था। अच्छा इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी, हीट या कोल्ड है, इसको अगर इनहिबिट करना हो, रोकना हो, तो हम लाख का इस्तेमाल लेते हैं। ऑर्नामेंटल ज्वेलरी में इसको, लाख को यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम देख लेते हैं कि बेसिक क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं लाख के और किस प्रकार से उनका जो यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो लैग प्रोडक्ट्स एंड देयर यूजेस। लैग के प्रोडक्ट और उनके क्या क्या इस्तेमाल हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे, दैट इज लैग डाई। पहली बात करें, दैट इज लैग डाई, ठीक है। लैग डाई की बात करें तो एक तो काफ़ी समय से लैग डाई जो है वो यूज़ होती है, और कई प्रकार के इसके जो हैं यूज़ हैं, ठीक है। फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में जो है कलरिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ये यूज्ड एज कलरिंग एजेंट इन फूड इंडस्ट्रीज। फूड कलर भी आते हैं, बट चूंकि जब से सिंथेटिक कलर्स आ गए हैं उसके बाद से जो लैग डाई है इन सब का यूज़ जो है काफ़ी कम हो गया, ठीक है। बट ये जो सिंथेटिक डाई है, अब धीरे धीरे क्या करते हैं कि सिंथेटिक डाई का यूज़ जो है लोग कम करने लगे हैं, बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन रीज़न, पॉल्यूशन के कारण, या फिर कई प्रकार से हार्मफुल इम्पैक्ट जो होता है उसका, उसके कारण, इस कारण से थोड़ा नेचुरल प्रोडक्ट पे, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट पे, जो कि लाख है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, नेचुरल है, उस पे लोग ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं। जो इंडस्ट्रीज़ है उस पे अब ज़्यादा कंसंट्रेट करती हैं और ज़्यादा कोशिश करती हैं यूज़ करने की, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें, सो इसी कारण से जो लैग को है यूज़ किया जाता है फूड इंडस्ट्री में एज अ कलरिंग एजेंट, जो है वो लैग डाई को यूज़ किया जाता है। सेकेंड थिंग इज लैग वैक्स। लैग का जो वैक्स है, मोम है, उसको भी यूज़ किया जाता है। जो लैग वैक्स है वो नॉर्मली लेदर की पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है, पॉलिशिंग ऑफ लेदर, ठीक है, लेदर पॉलिशिंग के लिए यूज होता है। फूड इंडस्ट्रीज में ये भी यूज किया जाता है लैग वैक्स। लैग वैक्स जो है वो फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। लिपस्टिक में लैग जो है यूज किया जाता है, लिपस्टिक में लाख यूज़ होता है, कई प्रकार से लाख लिपस्टिक में यूज़ होता है। उसके अलावा क्रेयॉन्स में जो कलर्स आते हैं उसको चिकना बनाने के लिए, ठीक है, जैसे लिपस्टिक भी तो क्या कहते हैं सॉफ्ट चिकनी होती है, और जो क्रेयॉन्स हैं वो भी हेल्थ होते हैं, वो सब लैग वैक्स के कारण होता है, ठीक है। उसके अलावा ड्रग टैबलेट फिनिशिंग, कई टैबलेट्स आती हैं जिनके ऊपर लाख की कोटिंग होती है, उसको चिकना बनाने के लिए, स्मूथ बनाने के लिए, ठीक है। दवाइयों के ऊपर भी लाख की कोटिंग की जाती है, ठीक। तो लैग डाई का क्या काम है, फूड इंडस्ट्री में लैग डाई जो है यूज़ होता है एज अ कलरिंग एजेंट। लैग वैक्स का क्या काम है, लेदर को पॉलिश करना, ताकि लेदर जो है शाइनी हो जाए, जैसे जूते हैं, जूते के ऊपर जो एक शाइन या फिर चिकनाहट मौजूद होती है उस पर लैग की क्या होती है, कोटिंग होती है, कवरिंग होती है। फूड इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, लिपस्टिक में, क्रेयॉन्स में, और दवाइयों में, मेडिकल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है लाख को। फिर बात करते हैं अपन शेल लैग की।
शेल लैक। शेल लैक की बात करें तो नेचुरल गम है, नेचुरल रेजिन है, मतलब चिपचिपा सा पदार्थ है। नेचुरल गम या रेजिन है, चिपचिपा सा चिपकने वाला पदार्थ है। अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सबसे पहले तो टैबलेट के कोटिंग में इसको भी यूज़ किया जाता है। टैबलेट के कोटिंग में मतलब टैबलेट को सराउंड करने के लिए भी लैक को यूज़ किया जाता है, लैक, शेल लैक को। उसके अलावा ये जो शेल लैक है, ये गोल्ड स्मिथ्स जो होते हैं या ज्वेलर्स जो होते हैं, ठीक है, वो गोल्ड को कहीं भी अगर लगाना हो तो उसके पहले लाख जो है उसमें लिक्विड लैक जो है भरते हैं ताकि गोल्ड उस पर अच्छे से स्टेबल हो जाए। सो ज्वेलर्स और गोल्ड स्मिथ है वो लैक को फिलिंग मटेरियल की तरह यूज़ कर सकते हैं, यूज एज फिलिंग मटेरियल। फॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स गोल्ड के ऑर्नामेंट्स के लिए जो है वो फिलिंग मटेरियल का काम करते हैं। मतलब कोई भी अगर ल्यूमेन होगा, लॉकेट होगा, उसमें क्या कहते हैं, लैक को भर दिया जाएगा, देन उस पर अगर गोल्ड रखेंगे तो वो चिपक जाएगा, ठीक है। फिर अगर अपन बात करें, ऑल्सो यूज इन प्रिपरेशन ऑफ टॉयज, खिलौने बनाने के काम आता है, ठीक है। उसके साथ साथ पॉटरी, मतलब कि बर्तन लाख के, ठीक है, उसके अलावा बटन्स, ये सब बनाने में लाख जो है वो काम आता है, इन सब से लाख जो है बनाया जाता है। उसके साथ साथ आर्टिफिशियल लेदर वो भी लाख की मदद से बनाया जा सकता है। देन आफ्टर सीलिंग वैक्स की तरह भी ये काम आता है। ठीक है, सीलिंग वैक्स के तौर पे भी काम आता है। आपने कई जगह लाख को देखा होगा, लिक्विड लाख जो है उसको ताले पे क्या कहते हैं, कहीं भी मोहर लगाना होता है तो वो आज भी क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज में वो जो जब लगता है मोहर, वो लाख का लग जाता है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिसेज में नहीं, बट कई जगह आप देखोगे कोई भी चीज़ अगर कैप्चर हुई है, पुलिस के द्वारा कैप्चर की गई है, हाँ, तो उसको अगर लॉक करना है, कोई भी प्रॉपर्टी है, हाँ, उसको अगर गवर्नमेंट का नोटिस लगाया जाता है तो उसके ताले पे एक रेड कलर का मोहर लगाया जाता है ना, वो क्या होता है, वो लाख का होता है। ओके, तो वो सीलिंग के लिए भी काम आता है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे ब्लीच लैक है, एक और प्रोडक्ट, ब्लीच्ड लैक। ब्लीच लैक जो है वो पेंट्स में काम आता है, ठीक है, पेंट्स में एज ए प्राइमर। पेंट्स में एज ए प्राइमर काम आता है। उसके अलावा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में काम आता है, एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में, ठीक है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में काम आता है, एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में काम आता है, एल्यूमिनियम फॉइल बनाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें, टेक्सटाइल्स में काम आता है, टेक्सटाइल में काम आता है ये। टेक्सटाइल मतलब कपड़ों की इंडस्ट्रीज जो होती है, वहाँ पे भी लाख जो है वो काम आता है। लकड़ी के फिनिशिंग में, पॉलिशिंग में काफ़ी काम आता है, वुड फिनिशिंग। या फिर पॉलिशिंग, इन सब में जो है लाख काम आता है, वुड की फिनिशिंग में, पॉलिशिंग में। उसके अलावा इंसुलेटर होता है, इसलिए
इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, ताकि अननेसेसरी इलेक्ट्रिसिटी हीट या कोल्ड जो है वो पास ना हो पाए। ओके, उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे रबर इंडस्ट्री में काम आता है। नेचुरल रबर क्या कहते हैं, इससे बनाया जा सकता है। सो रबर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री के बाद अगर बात करें तो ऑब्वियस है लेदर इंडस्ट्री में भी ब्रीज लैग जो है वो काम आता है। ओके, सो ये इतने सारे प्रोडक्ट्स और उसके इतने सारे यूजेस जो हैं ये थे। ठीक है, कई सारे क्या कहते हैं लैक जो कल्चर होता है उसमें कई सारे ऐसे भी इफेक्ट चीज़ें हैं जो कि लैक कल्चर को प्रभावित करती हैं बुरी तरह से, मतलब कि बैड होती हैं। ठीक है, ख़राब होती हैं। जैसे अगर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि जैसे हाई टेम्परेचर, बहुत हाई इंटेंसिटी की लाइट है, हाई टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी है, इसके कारण क्या हो सकता है, लैक का जो कीड़ा है जिससे लैक प्रोड्यूस हो रहा है वो मर सकता है। ठीक है, उसकी डेथ हो सकती है, उसकी डेथ हो जाएगी तो लैक का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे कई सारे इंसेक्ट हैं, कई सारे एनिमल हैं जो उन कीड़ों पे फीड करते हैं, तो लैक का कीड़ा है उसको अगर कोई और खा जाएगा तो भी जो क्या कहते हैं लैक का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जिसके कारण लैक का जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होता रहता है। ठीक है, तो इसी कारण से इसको आर्टिफिशियली जब कल्चर किया जाता है तो हर चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि किसी भी प्रकार का कॉन्टामिनेशन ना हो, किसी भी प्रकार के एनिमी का कोई खतरा ना हो, किसी भी प्रकार का बायोटिक चाहे एबायोटिक कंडीशन रिवर्स वे में ना आए जिसके कारण से जो लैक के कीड़े हैं उन पर प्रभाव पड़े और लैक के प्रोडक्शन पे या क्वालिटी पे किसी भी प्रकार का कोई बुरा प्रभाव पड़े। ठीक है, सो ये था आपका लैक कल्चर, कंप्लीट हो चुका है लैक कल्चर। 7 वीडियो लेक्चर हमने देखे लैक कल्चर के और लैक कल्चर हमारा कंप्लीट हो गया। कल्चर मेथड और है, पिसी कल्चर, पोल्ट्री फार्मिंग है, बट पिसी कल्चर एंड पोल्ट्री फार्मिंग आई होप कि हम ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे क्योंकि वो पूरी तरह से एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ज़्यादा कुछ उसमें समझना नहीं है। मछली पालन है और एक पोल्ट्री फार्मिंग है, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो ऐसा टॉपिक नहीं है जिसके लिए हम वीडियो लेक्चर प्रिपेयर करें, तो ज़्यादा बेटर है कि हम इथोलॉजी या बायोस्टैट के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर्स में हम आगे देखेंगे। अदरवाइज अगर आपको इन्वायरमेंट या फिर क्या कहते हैं जो आपका एक और पेपर है कॉर्डेटा उससे रिलेटेड पढ़ाई करनी है तो आप मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हैं, हम वो भी स्टार्ट करेंगे। बट लैक कल्चर जो है हमारा वो आज यहाँ पे ओवर हो चुका है। सो अगले वीडियो लेक्चर से जो भी हमारा नया टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।